अस्सलाम वालेकुम। मटन पुलाव की क्विक रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ 1 कप ऑयल ले लिया है। 3 स्लाइस प्याज को फ्राई कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने वाटर में मटन, फेनल सीड्स, कोरिएंडर सीड्स और खड़ा मसाला ऐड करके बॉईल करने चढ़ा दिया था। इसके बाद ब्राउन प्याज में से हाफ प्याज मैंने गार्निशिंग के लिए निकाल ली थी। मटन ऐड कर दिया है। मटन मेरा कम्प्लीटली टेंडर हो चुका था। इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप योगर्ट, दही। दही ऐड करने के बाद मैं इसे 10 मिनट्स तक हाई फ्लेम पर कुक करूँगी। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लिया था। 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी कोरिएंडर और कुछ खड़ा मसाला। कोरिएंडर को मैंने भून कर इसे क्रश कर लिया था और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ पोटैटोस, जो कि ऑप्शनल हैं। अगर आपको स्किप करना है यू कैन स्किप इट। इसके बाद मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया, ब्रोथ ऐड कर दिया है जो कि मटन का था, वो मैंने छान के इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें नमक ऐड कर इसे टेंडर होने के लिए पोटैटोस को छोड़ दूँगी। तकरीबन 20 मिनट के बाद ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी था। इसमें मैंने डाल दिए हैं राइस, ये मैंने 30 मिनट पहले ही भिगो के रखे थे। और यहाँ पर मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है चावलों के लिए। और अब मैं इसे सिमर करने के लिए रख दूँगी। तो चलें, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही क्विक रेसिपी शेयर की है आज मैंने आपसे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। फॉलो करें मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी, एक क्विक रेसिपी के लेकर आऊँगी। ब्राउन प्याज के साथ गार्निश कीजिए एंड एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।